हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये शायद पहला लेक्चर है हमारे यूट्यूब चैनल का, तो हम स्टार्ट करेंगे ऑप्स गायनी से। हाइपरटेंशन डिसऑर्डर्स इन प्रेगनेंसी में बात करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपरटेंशन डिसऑर्डर्स इन प्रेगनेंसी कई बार आया है, बहुत बार क्वेश्चन आया है। इसके साथ में एक एसोसिएटेड क्वेश्चन होता है, लॉन्ग क्वेश्चन होता है, एमबीबीएस का जो थ्योरी फाइनल ईयर का एग्जाम होता है उसमें। इसमें एसोसिएटेड के साथ में एक्लेम्शिया, प्री एक्लेम्शिया का मैनेजमेंट वो लोग पूछते हैं, कई बार पूछा गया। ठीक है, चलो फटाफट एक इंट्रोडक्शन से बात करते हैं। हाइपरटेंशन इज वन ऑफ द हाइपरटेंशन वन ऑफ द कॉमन मेडिकल कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी होता है, एंड इट कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली इन मैटरनल एंड पेरिनेटल मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी। ठीक है, मतलब इससे बीमारियां भी होती हैं और मृत्यु भी होती है। हाइपरटेंशन इज अ साइन ऑफ अंडरलाइंग पैथोलॉजी। हाइपरटेंशन कोई कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है अंडरलाइन, उसका एक साइन होता है, बीच में भी प्री एग्जिस्टिंग वो पहले से भी चल सकती है, और अपियर्स फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जिसे हम गेस्टेशनल हाइपरटेंशन बोलते हैं। ठीक है, द आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस क्लिनिकल एंटिटी एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन आउटकम ऑफ प्रेगनेंसी बोथ फॉर द मदर द बेबी। अगर हमने जितनी जल्दी इस चीज को निकाल लिया और उसका मैनेजमेंट अच्छा कर लिया, तो ये दोनों मदर के लिए और बच्चे के लिए फायदेमंद होता है। ये सारी लाइनें दत्ता की हैं, ऑप्स की जो दत्ता की किताब होती है, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक होती है, उसी की लाइन है। चलो अब फटाफट क्लासिफिकेशन के पर आ जाओ। ये जो क्लासिफिकेशन है ना, यही अपन को एग्जाम में पढ़ना रहता है और एग्जाम में लिखना रहता है। ठीक है, तो अच्छे से अपन को इसको समझना है। आपने डेफिनेशन लिख दी, उसके बाद इसको नंबर वन डाल करके हम स्टार्ट कर देंगे। ये जैसे अगर नंबर वन ये डालो तो उसको स्टार्ट कर दो, तो हाइपरटेंशन है। ठीक है, दूसरे नंबर पे हमारे पास, सॉरी जस्ट अ मिनट, पहले नंबर पे हाइपरटेंशन है, दूसरे नंबर पे प्रोटीनयूरिया है, तीसरे नंबर पे गेस्टेशनल हाइपरटेंशन है, चौथे नंबर पे प्री एक्लेम्पसिया है, पांचवें नंबर पे एक्लेम्पसिया है, छठवें नंबर पे हेल्प सिंड्रोम है, सातवें नंबर पे क्रॉनिक हाइपरटेंशन है, आठवें नंबर पे सुपर इम्पोज्ड प्री एक्लेम्पसिया है, और नवे नंबर पे हमारे पास क्रॉनिक हाइपरटेंशन विद सुपर इम्पोज्ड प्री एक्लेम्पसिया एक्लेम्पसिया है। 9 पॉइंट है। गिनती बनाने से याद रहता है कि 9 चीजें थी, पेपर में हमें 7 याद आती हैं, 2 भूल रहे होते तो आप दिमाग पे ज्यादा जोर देते हो तो याद आ जाता है। ठीक है, चलो अब एक एक करके क्या क्या चीजें होती है फटाफट समझ लेते हैं। सबसे पहले बीपी जो है वो 140 से 90 mmHg होना चाहिए। बीपी 140 से 90 mmHg होना चाहिए। मेजर 2 टाइम्स एटलीस्ट 6 आवर इंटरवल यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ 0.3 ग्राम। अब ये 6 आवर, ये 8th एडिशन का था, इसको आप 4 आवर कर लो। ठीक है, 9th एडिशन में 4 आवर इंटरवल है और लेस देन 7 डेज, प्लस नॉट मोर देन 7 डेज, इस तरीके से है। लेस देन 7 डेज का होना चाहिए पीरियड, मतलब 4 आवर से लेकर के 7 दिन तक का जो इंटरवल है वो इतना होना चाहिए। 4 घंटे से कम का नहीं होना चाहिए और 7 दिन से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। तो ये बात ध्यान रखना है एज पर दत्ता, ऑप्स की जो दत्ता आपकी किताब है डीसी दत्ता, उसके हिसाब से। ठीक है, तो ये बात ध्यान रख लो। 140 mm ऑफ एच जी मेजर 2 टाइम्स एटलीस्ट 4 आवर अपार्ट, ये दोबारा से लिख देता हूँ, 4 आवर अपार्ट बट नॉट मोर देन 7 7 डेज। ठीक है, 7 दिन से इतना ज्यादा इंटरवल भी नहीं रखना कि 7 दिन से ज्यादा हो जाए, और इतना कम भी नहीं रखना कि 4 घंटे से कम हो जाए। ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर दूसरा पॉइंट हमारे पास प्रोटीन यूरिया का आता है। प्रोटीन यूरिया में क्या चीज है, हमें यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ 0.3 ग्राम प्रोटीन पर 24 आवर स्पेसिमेन। अगर 24 आवर का हमने यूरिन स्पेसिमेन लिया है, ठीक है, तो इसमें हमें 0.3 ग्राम प्रोटीन से ज्यादा या फिर उसके बराबर मिल रहा है तो हम बोलेंगे कि उसको प्रोटीन यूरिया है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, 0.3 ग्राम है। ठीक है, वहां पे जब एग्जाम में लिख रहे होते हो तो ये कंफ्यूजन होता है, 300 मिलीग्राम तो नहीं है, 3 ग्राम तो नहीं है, 0.3
0.3 मिलीग्राम तो नहीं है, तो ये बात ध्यान रखना है कि 0.3 ग्राम है। दूसरा ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन, इक्वल टू का साइन का पता है इंपॉर्टेंस कब होता है? जब हम प्रैक्टिकली चीजों पर काम कर रहे होते हैं, इंटर्नशिप में जब हम लोग जाते हैं तो वैल्यूज आती हैं। 3 ग्राम प्रोटीन की भी वैल्यू आती है, 0.3 ग्राम की प्रोटीन आती है। अब 0.3 ग्राम की प्रोटीन की वैल्यू आई, हमने तो पढ़ा था यार ग्रेटर देन पॉइंट, हम ध्यान अक्सर ये नीचे की लाइन को भूल देते हैं, बोलते ग्रेटर देन 0.3 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए, तो इसको लेंगे कि नहीं लेंगे? अब इसमें इन्होंने बोल दिया कि अगर बराबर भी है 0.3 ग्राम प्रोटीन है तो हम मानेंगे कि प्रोटीन यूरिया है, अगर लेस देन है 0.3 है तो हम हटा देंगे उसको, एक्सक्लूसिव कर देंगे, ठीक है? तब तीसरा पॉइंट है गेस्टेशनल हाइपरटेंशन। दो चीजें समझ में आएगी, पहला हाइपरटेंशन हेडिंग डालोगे ये डेफिनेशन लिख दोगे, प्रोटीन यूरिया हेडिंग डालोगे ये डेफिनेशन लिख दोगे। तीसरे नंबर पे गेस्टेशनल हाइपरटेंशन, गेस्टेशनल हाइपरटेंशन का मतलब क्या होता है? 20 वीक्स के बाद प्रेगनेंट है वुमेन, 20 हफ्ते हो गए हैं, उसके बाद अगर उसका बीपी 140 से 90 mmHg पर आता है फॉर द फर्स्ट टाइम इन प्रेगनेंसी आफ्टर 20 वीक्स विदाउट प्रोटीन यूरिया, यहाँ पे प्रोटीन यूरिया नहीं है, ठीक है, विदाउट है, याद रखना। अगर प्रोटीन यूरिया भी साथ में हो जाएगा तो कुछ और चीज हो जाएगी जिसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है? तो गेस्टेशनल हाइपरटेंशन का समझ में आ गया, 20 वीक्स के बाद अगर उसका बीपी फर्स्ट टाइम पर 140/90, अब इसमें भी सेम चीज है, ठीक है? देखो इसमें भी सेम चीज है, ग्रेटर देन इक्वल टू 140/90 mmHg आया है, तो अगर उसका बीपी 140 और 90 है तो भी हम उसको गेस्टेशनल हाइपरटेंशन में मानेंगे, अगर उससे ज्यादा है तो मानेंगे, लेकिन अगर इक्वल टू बराबर भी है तो भी मानेंगे, समझ गए? 20 वीक्स याद रखना है, 20 हफ्ते के बाद ही ऐसा होना चाहिए, और विदाउट प्रोटीन यूरिया, प्रोटीन यूरिया नहीं होना चाहिए, ठीक है? सेकेंड आता है प्री एक्लेम्पसिया, प्री एक्लेम्पसिया में कुछ नहीं करना है, प्री एक्लेम्पसिया इक्वल्स टू गेस्टेशनल हाइपरटेंशन प्लस प्रोटीन यूरिया, ठीक है? फिर अगली चीज आ जाएगी एक्लेम्पसिया, एक्लेम्पसिया का में मतलब होता है ये जो पीई है, प्री एक्लेम्पसिया प्लस ग्रैंड मैल सीजर्स, ठीक है? ये एक्लेम्पसिया हो गया वुमेन में, प्री एक्लेम्पसिया विद कॉम्प्लिकेटेड विद ग्रैंड मल सीजर्स एंड और कोमा, या फिर कोमा आ जाएगा, ठीक है? तो ये बात ध्यान रखना है। अगला आ जाएगा हेल्प सिंड्रोम, 6th नंबर पे आ जाएगा हेल्प सिंड्रोम। हेल्प सिंड्रोम क्या होता है? हेल्प सिंड्रोम याद करना है, एच से हीमोलिसिस, ठीक है, लिखा हुआ है हीमोलिसिस, फिर एलिवेटेड लिवर एंजाइम ईएल से और लो प्लेटलेट काउंट, ठीक है? अब ये पूछते हैं मेरे से, वाइवा में पूछा था हेल्प सिंड्रोम, मैंने कॉम्प्लिकेशंस ऑफ प्रेगनेंसी और इसी तरह पे गया, तो उन्होंने पूछा हेल्प सिंड्रोम बताओ, मैंने बता दिया हीमोलिसिस हुआ, एलिवेटेड लिवर एंजाइम्स हुआ, फिर लो प्लेटलेट काउंट, मैंने बोला कि कितना प्लेटलेट काउंट, लो प्लेटलेट काउंट का मतलब कितने से कम, तो यहाँ पे ध्यान रखना है प्लेटलेट काउंट जो होता है लेस देन 1 लाख पर मिलीमीटर क्यूब आता है, बोल देना कि 1 लीटर एक से कम है। एलिवेटेड लिवर एंजाइम्स कितना, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम्स द नॉर्मल वैल्यूज, अपर लिमिट ऑफ नॉर्मल वैल्यूज, ये वर्ड्स है अपर लिमिट ऑफ नॉर्मल वैल्यूज, ठीक है? अब क्रॉनिक हाइपरटेंशन क्या होता है? नॉन हाइपरटेंशन बिफोर प्रेगनेंसी, समझ में आ गया हेल्प सिंड्रोम के बारे में? हीमोलिसिस हुआ पहला पॉइंट, दूसरा हुआ प्लेटलेट काउंट जो है लेस देन 1 लाख अगर से है तब बोलेंगे, और एलिवेटेड लिवर एंजाइम्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम्स द अपर लिमिट ऑफ नॉर्मल वैल्यूज, ठीक है? जो नॉर्मल वैल्यूज की दो गुना ज्यादा अगर हो गया है या 2 गुना से ज्यादा हो गया है तो हम बोलेंगे कि एलिवेटेड लिवर एंजाइम्स है। कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं वो भी अगर आप करना चाहो तो AST और ALT दोनों का जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन 70 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर से ज्यादा है तो हम बोलेंगे हेल्प सिंड्रोम। और एक और जो यहाँ पे आता है LDH, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस का जो वैल्यू है ग्रेटर देन 600 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर पे आ जाता है, ठीक है? तो ये भी अगर एक्स्ट्रा में याद करना चाहो तो कर सकते हो जाएगा यार। जब आप हीमोलिसिस में भी ये पॉइंट लिख सकते हो कि LDH जो रहता है वो ग्रेटर देन 600 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर रहता है,
ठीक है, समझ में आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं। क्रॉनिक हाइपरटेंशन सातवें नंबर पे, अगर हमारा हेल्प सिंड्रोम था 1 2 3 4 5 6, छठवें नंबर पे हेल्प सिंड्रोम था तो सातवें नंबर पे आ गया क्रॉनिक हाइपरटेंशन। नोन हाइपरटेंशन बिफोर प्रेगनेंसी और हाइपरटेंशन डायग्नोस्ड फर्स्ट टाइम बिफोर 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। अब समझ लो क्रॉनिक हाइपरटेंशन क्या होता है, मिटा दे रहे हैं इसको। क्रॉनिक हाइपरटेंशन अगर वो नोन केस ऑफ हाइपरटेंशन का केस है, तब हम बोलेंगे कि सॉरी, नॉन केस ऑफ हाइपरटेंशन का केस है HTN होता है। नॉन केस ऑफ हाइपरटेंशन का केस है, पता है कि वो बीपी की गोली खा रही है। हिस्ट्री में कैसे पूछोगे, ओपीडी में बैठ रहे हैं तो हम क्या पूछेंगे कि काय जी जी तुम्हारी कोई थायराइड बीपी और शुगर की दवाइयां तो नहीं चल रही है, कोई थायराइड बीपी शुगर की कोई ऐसी तो नहीं हो कि रोज दो रोज दवाई खाने पड़ते हो, ये पूछा जाता है। आयरन कैल्शियम के अलावा, आयरन कैल्शियम तो वो रोज खा ही रही होगी, तो आप इस तरीके से हिस्ट्री लोगे। ठीक है, तो वो बोलेगी नहीं यार, एक आयरन कैल्शियम के अलावा भी रात में गोली ले रहे हैं, डॉक्टर ने बोला है। कई बार ये भी हो जाता है कि पेशेंट ये बोलता है कि हमने बीपी की शिकायत तो है, बोले बीपी की कोई दिक्कत है, बीपी बढ़ता घटता तो नहीं है, बोले हाँ बढ़ता है, लेकिन हमने डॉक्टर को दिखाया था, उसने कुछ दवाइयां दी, हमने 4 5 दिन खाई, फिर हम सही हो गए, तो हमने दवाइयां खाना बंद कर दी। लेकिन वो क्या मतलब है उसका, क्या वो हाइपरटेंसिव पेशेंट थी? ठीक है, डॉक्टर कभी दवाई बंद करने की नहीं बोलते हैं हाइपरटेंशन में, समझे? चलो, नॉन हाइपरटेंशन बिफोर प्रेगनेंसी और हाइपरटेंशन डायग्नोस अगर 20 वीक्स, मान लो उसने कभी चेकअप ही नहीं करा, यंग फीमेल है तो चेकअप नहीं करवाया होगा, तो 20 वीक्स के पहले अगर आ गया है और उसको डायग्नोस हुआ है कि हाई बीपी है, हाइपरटेंशन का केस आ गया है, तो हम मानेंगे कि वो क्रॉनिक हाइपरटेंशन का पेशेंट है। ठीक है, ये भी एक हाइपरटेंशन डिसऑर्डर ऑफ प्रेगनेंसी होता है। अगला चीज आ गया, सुपर इम्पोज अकरेंस ऑफ न्यू ऑनसेट ऑफ प्रोटीन यूरिया इन वुमेन विद क्रॉनिक हाइपरटेंशन। सुपर इम्पोज प्री एक्लेम्शिया और एक्लेम्शिया में, इसमें अकरेंस ऑफ न्यू ऑनसेट प्रोटीन यूरिया इन वुमेन विद क्रॉनिक हाइपरटेंशन। अब जब क्रॉनिक हाइपरटेंशन के साथ में, सॉरी, क्रॉनिक हाइपरटेंशन के साथ में अगर हमने न्यू ऑनसेट प्रोटीन यूरिया भी कर दिया, तो हम क्या बोलेंगे, क्रॉनिक हाइपरटेंशन के साथ में न्यू ऑनसेट प्रोटीन यूरिया भी है तो सुपर इम्पोज प्री एक्लेम्पशिया। ठीक है, क्रॉनिक हाइपरटेंशन के ऊपर सुपर इम्पोज हो गया प्री एक्लेम्पशिया। ठीक है, समझ में आया? चलो, नेक्स्ट चीज जो नवा पॉइंट है, क्रॉनिक हाइपरटेंशन में सुपर इम्पोज प्री एक्लेम्पशिया, इन दोनों को मिला दिया। ठीक है, क्रॉनिक हाइपरटेंशन फिर सुपर प्रीएक्लेम्पशिया, क्रॉनिक प्रोटीन यूरिया भी हो गया, लेकिन अब क्रॉनिक हाइपरटेंशन सुपर इम्पोज्ड प्रीएक्लेम्पशिया और एक्लेम्पशिया के दोनों मिल कर गए, तो इसमें कॉमन कॉज ऑफ क्रॉनिक हाइपरटेंशन की कॉजेज बता दिए हैं, क्या क्या है भैया? तो हमारे पास एसेंशियल हाइपरटेंशन है, एसेंशियल हाइपरटेंशन जिसके बारे में पता नहीं, मतलब सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है किसी बीमारी के कारण, एसेंशियल हाइपरटेंशन होता है जिसका कोई कॉज हमें पता नहीं लेकिन फिर भी बीपी बढ़ रहा है। क्रॉनिक रीनल डिजीज, लंबे समय से कोई रीनल बीमारी है, रीनो वास्कुलर डिजीज हो सकती है, कॉक्टेशन ऑफ एओर्टा। ठीक है, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स हो सकते हैं जैसे कि डायबिटीज मेलाइटिस है, फ्यूक्रोमोसाइटोमा से बीपी बढ़ता है, साइटोमा, थायरोटॉक्सिकोसिस, हाइपरथायरॉयडिज्म में तो भी बीपी बढ़ा रहेगा, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स हैं, ल्यूपस इरिडोमेटोसस में तो भी बीपी की दिक्कत हो सकती है। तो ये 1 2 3 4 5 कॉजेज हैं, याद कर लेना, एसेंशियल हाइपरटेंशन। ठीक है, तो ये पहला हो गया एसेंशियल हाइपरटेंशन, दूसरा किडनी की समस्या, तीसरा क्योपरेशन ऑफ एओर्टा हो गया। क्योपरेशन का मतलब होता है सिकुड़ जाना। ठीक है, और चौथे नंबर पे कोई दवा बीमारियां हो गई, पांचवें नंबर पे कनेक्टिव टिश्यू डिजीजेस। ठीक है, पांच कॉजेज याद कर लेना। फिर क्राइटेरिया फॉर डायग्नोसिस ऑफ सुपर इम्पोज्ड प्री एक्लेम्पशिया, सुपर इम्पोज्ड प्री एक्लेम्पशिया है क्रॉनिक हाइपरटेंशन में, हम क्या बोलेंगे कि सुपर इम्पोज्ड प्री एक्लेम्पशिया, तो कैसे करेंगे, कितने क्राइटेरिया हैं, 2 3 4, हमेशा ध्यान रखो गिनती करना। न्यू ऑनसेट प्रोटीन यूरिया 0.5 ग्राम है 24 आवर में, अगर एकदम से 0.5 ग्राम, अभी यहाँ पे क्या था 0.3 ग्राम था, 0.5 ग्राम प्रोटीन निकल रहा है 24 आवर स्पेसिमेंट में, तो हम बोलेंगे कि सुपर इम्पोज क्राइटेरिया उसके, ये एक पॉइंट एक क्राइटेरिया, तो ये हो गया एग्रीवेशन ऑफ हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन बढ़ रहा है, डेवलपमेंट ऑफ हेल्प सिंड्रोम, हेल्प सिंड्रोम आ गया, समझ पड़ ही चुके थे, डेवलपमेंट ऑफ हेडेक, स्कोटोमा, एपिगेस्ट्रिक पेन। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ हेडेक, स्कोटोमा, एपिगेस्ट्रिक पेन। चलिए, ये हमने सारे जो डिसऑर्डर्स थे वो एक साथ पढ़ लिए हैं, थोड़ा सा और डिटेल में, मतलब एक आइसोलेटेड में मैंने पटाफट फटाफट समरी ले लो, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा,
पांचवा, छठवा, सातवा, आठवा, ठीक है, ये पढ़ चुके हैं। फिर ये नवा हमने यहां से लिया था, उसकी सेम चीजें लिखी हुई है। अगला एक छोटा छोटा सा हमें हेल्प सिंड्रोम के बारे में थोड़ा सा पढ़ लो, अगर अभी एक्स्ट्रा में आ गया, 2 मार्क्स में आ गया, या फिर कैसे भी, मतलब वाइवा में भी पूछ सकते हैं टीचर, तो उसके बारे में पढ़ लेना है। बताया मैंने एलेनाइन एस्पर्ट, सॉरी, एलेनाइन और एस्पर्टेट ट्रांसअमाइनेज जो लेवल्स हैं वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू, मैंने बोला ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 टाइम्स अपर लिमिट ऑफ नॉर्मल, ठीक है, ये ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट हीमोलिसिस हो रहा है, तीसरा पॉइंट प्लेटलेट काउंट जो है वो लेस देन 100, वही है 1 लाख पर ली, इसको ऐसे याद करो, लेस देन 1 लाख पर मिलीलीटर क्यूब, ठीक है। लैक्टेट डिहाइड्रेशन की वैल्यू मैंने बता दी, ग्रेटर देन 600 यूनिट्स है, इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर, ठीक है, पर लीटर की बात हो रही है यहाँ पे। बाकी का पेरिफेरल स्मियर में हीमोलिसिस कैसे देखोगे, लैक्टेट डिहाइड्रेशन कैसे देखोगे, और जो लिवर एंजाइम्स है वो एस्पार्टेट एलेनाइन ट्रांसअमाइनेज और एस्पार्टेट ट्रांसअमाइनेज जो है वो आपके ग्रेटर देन टू इक्वल टू 2 टाइम्स देन अपर लिमिट होंगे, मैंने बता दिया है। पेरिफेरल स्मियर में एविडेंस ऑफ डैमेज रिसोसाइट्स, मतलब हीमोलिसिस हो रहा है, सिस्टोसाइट्स मिलेंगे, बर्ड सेल्स मिलेंगे, हेलमेट सेल्स मिलेंगे, सीरम बिलिरुबिन, अब हीमोलिसिस होगा तो 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर पे हमें मिलेगा वैल्यूज, ठीक है, समझ में आ गया। हीमोलिसिस हेल्प सिंड्रोम फुल फॉर्म हीमोलिसिस, एलिवेटेड लिवर एंजाइम्स एंड लो प्लेटलेट काउंट, ठीक है, ये इसका सोर्स है, कहाँ से लिया है, ACOG की वेबसाइट है, वहां से मैंने ये लिया, ठीक है। चलो थैंक यू वेरी मच, अच्छे से पढ़ते रहिए, और भी कुछ टॉपिक्स हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है हमें, ठीक है, तो हम उसके वीडियोस बनाएंगे, और बाकी अपने लेवल पे तो मैं बना रहा हूँ, ठीक है। अगर कोई ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको लगता है कि आपको किसी भी ईयर के फाइनल ईयर MBBS के, टोटल MBBS के कोई भी टॉपिक जो आप मुझसे पढ़ना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में बताएं, आई विल मेक अ वीडियो। थैंक यू वेरी मच।